बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, उम्मीद करते हैं खैरियत से होंगे। आज मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ एग स्लाइस की रेसिपीज़, और ये बहुत मज़े के होते हैं। नाश्ता, एक हेल्दी नाश्ता हो जाता है बच्चों के लिए भी, बड़ों के लिए भी। सबसे पहले मैंने एक अंडा तोड़ा और इसमें मैंने हसब मामूल मेरा जितना मुझे पसंद था चुटकी भर नमक डाला। और अगर आप चाहते हैं कि थोड़ा ये मीठा सा हो तो आप इसमें हाफ टी स्पून के करीब चीनी भी डाल सकते हैं, पर मैंने यहाँ पे ऐड नहीं की। और दूसरा यह है कि ये बहुत मज़े का होता है, हेल्दी फूड होता है। और मैंने दोस्तों आपको ये बताना था कि मैं जो अपने टिकटॉक अकाउंट नूर दानियाल 92 पे वीडियोस अपलोड करती हूँ वो पार्ट्स में होती हैं और बहुत थोड़ी फास्ट होती हैं। अगर आपको डिटेल में बात समझनी है तो आप प्लीज़ मेरा स्पाइसी सीक्रेट्स विद नूर यूट्यूब पे चैनल है, इसे आप सब्सक्राइब करें, शेयर करें, आगे अपने फ्रेंड्स को भी बताएँ। देन मैंने आपके सामने देखें डाला है मक्खन, आप घी या ऑयल का भी यूज़ कर सकते हैं। मैंने खैफला यहाँ पे घर में वाला मक्खन रखा हुआ था वो यूज़ किया है, स्लाइस को एग में डिप किया है। और अब मैं इसको तवे को मैंने लो फ्लेम पे गरम किया था, तेज़ आंच पे नहीं करना वरना स्लाइस जल जाएंगे। और अब मैं इसको लाइट सा फ्राई करूँगी, गोल्डन फ्राई करना है। मेरी वीडियोस अगर आपको पसंद आती हैं, मैं टोटल होममेड रेसिपी बताती हूँ, ऐसे इंग्रेडिएंट्स बताती हूँ जो आपको घर में इजीली अवेलेबल हों और आपको बाहर ना जाना पड़े, और बहुत टेस्टी चीज़ होती है। मेरी कोशिश ये होती है कि आप लोगों के लिए जितनी आसानी हो सके खाना बनाने में वो मैं आपको फ्राहम करती रहूँ। नैन अभी देखें मैंने अच्छे से इसको फ्राई कर लिया है और गोल्डन फ्राई किया, और उसके बाद अब मैंने इसको निकाल लिया है प्लेट में। अब मैंने दूसरा स्लाइस लेना है और उसको उसके साथ भी ऐसे ही करना है, थोड़ा सा फिर मक्खन डाला और दूसरे स्लाइस को भी मैंने ऐसे ही इसके ऊपर फ्राई करना है। और मैं बार बार कह रही हूँ जो आपके तवा हो या फ्राई पैन हो उसका फ्लेम आप लो ही रखिएगा, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, मुझे सपोर्ट कीजिएगा ताकि मैं ऐसे ही आप लोगों के लिए मज़ेदार रेसिपीज और इजी रेसिपीज ला सकूँ। और आप मेरे और भी वीडियोज़ मेरी विजिट करेंगे तो आपको पता चलेगा कि मैं होममेड रेसिपीज़ बताती हूँ, बहुत सिंपल इन्ग्रीडियंट्स बताती हूँ जो घर में हर घर में अवेलेबल होंगे। और ये बहुत अच्छा नाश्ता होता है गाइस, आप ये खाएं, आप इंजॉय करें, आपके घर मेहमान आए आप उनके साथ भी शेयर कर सकते हैं कॉफ़ी चाय किसी के भी साथ, और अपने ये बच्चों को भी लंच में भी दे सकते हैं, इससे पेट भी फुल हो जाता है, हेल्दी होता है एंड बहुत मज़े का होता है। तो आप इसकी फ़ाइनल लुक देख सकते हैं, तब तक लीजिए मुझे इजाज़त, अल्लाह हाफिज़।